जिला के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी टाबर उत्सव के तहत किताबी ज्ञान के साथ साथ मूर्ति कला का हुनर सीख रहे हैं। हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक विभाग व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान से ये कार्यक्रम 30 जून तक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान चलेगा। जिला अम्बाला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीसी बाजार में इस उत्सव के तहत बच्चों को मूर्ति कला का हुनर सिखाया जा रहा है। मेरा नाम मुजफ्फरवीर है, मैं बीसी बाजार स्कूल से हूँ और हम यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पे वेस्ट मटेरियल भी सिखाते हैं और आज हमें मूर्ति सिखा रहे हैं, मतलब पेंटिंग भी, हमें सारी चीज़ें करवाते हैं और बहुत मज़ा आता है। जिस स्कूल से अच्छा मन कहाँ लगता है, स्कूल में बहुत अच्छा मन लगता है और सारी टीचर भी बहुत प्यार करते हैं। जैसे हमारे घर पे हमें सजावट के लिए हम कुछ भी बना सकते हैं और फिर हमारी जो मूर्ति है हम उसको कहीं भी रख सकते हैं और टांग सकते हैं इसलिए, और सेल भी कर सकते हैं और फिर हमारा इंटरेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। शाम है और मैं 11th साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीसी बाजार अम्बाला में पढ़ता हूँ और जैसे कि यहाँ पे समर कैंप लगा है, इसमें मतलब आते हैं, इसमें सब कुछ कराते हैं, जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है उससे अपना यूज़फुल चीज़ें बनाना सिखाते हैं और ड्राइंग वगैरह और क्ले मॉडलिंग सिखाते हैं। मेरा नाम पायल है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेन ब्रांच से पढ़ती हूँ, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने आर्ट सब्जेक्ट में फाइन आर्ट सब्जेक्ट लिया है, मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें सिखाने को मिलती है तो यहाँ पर मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगता है ये सब्जेक्ट, तो मैं बहुत यहाँ पर बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे क्ले मॉडलिंग होगी, बाकी वेस्ट यूज़ स्टोन पेंटिंग होगी, वेस्ट यूज का यूज़ करना सिखाते हैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है जी। इसके लिए हम बहुत आगे करियर बना सकते हैं इससे अपन, हम यहाँ पर जैसे कि हम अलग आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, फाइन आर्ट से ड्राइंग टीचर बन सकते हैं, मतलब बहुत सी आगे इससे हमारे को बहुत फ़ायदा होगा जी। हम सरकार की योजना को बहुत अच्छा मानते हैं, यहाँ पर हमें बहुत चीज़ें सिखाई जाती है, फ्री क्लासेस मिलती है, रिफ्रेशमेंट मिलती है हमें यहाँ पर। वहीं इसके लिए बाहर से हरियाणा के अध्यापक बुलाए गए हैं ताकि वे बच्चों को अच्छे से सिखा सके। अध्यापिकाओं ने बताया कि आज बच्चों को मूर्तिकला का हुनर सिखाया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि वे मिट्टी और वेस्ट सामान से किस प्रकार उपयोग में लाकर वस्तु बना सकते हैं। सब, मेरा नाम मनीषा है, मैं फाइन आर्ट्स टीचर हूँ अभी माता रुक्मिणी स्कूल खरिंडवा में। और सर, हमारा एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पिछले साल से 2 सालों से चलाया गया है, ये टावर उत्सव नाम से एक कैंप है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चों के लिए कि जो इसको इंजॉय कर सके, अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज़ कर सके, तो इसलिए ये टाबर उत्सव कैंप लगाया गया है। इसमें हम बच्चों को मूर्ति कला और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका कैसे रीयूज़ कर सकते हैं हम, वो सब सिखाया जाता है, जिसमें कि हम मूर्ति कला में हम POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कैसे हम अपने उसमें काम में ला सकते हैं, और क्ले मॉडलिंग है उसमें पोर्ट्रेट, ठीक है, और ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को, और साथ के साथ उन्हें ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब से जोड़ा जा रहा है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट बने इस चीज़ में, ताकि वो अपनी फील्ड में अगर वो किसी पढ़ाई की वजह से किसी अलग उससे रह जाते हैं तो वो अपनी इस फील्ड को चूज़ करके आगे अपना नाम और करियर बना सकते। 50 बच्चों का है कि 50 बच्चों को बुलाया जाता है डेली, 9th to 12th के बच्चे आते हैं इसमें, और इसमें बहुत अच्छे मतलब अपने अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं बच्चे लोग। हाँ जी, किस तरीके से? हाँ जी, हाँ जी सर, ये 30 जून को ख़त्म है तो फिर उस टाइम पे हमारी ये जितना भी बच्चों ने काम किया है ये सारा डिस्प्ले किया जाएगा, और फिर इनको कोई चीफ गेस्ट वगैरह आके तो सर्टिफिकेट्स बच्चों को दिए जाएंगे उसके, और इनको फिर इसका मतलब एग्जीबिशंस लगाई जाएंगी तब उनकी फ़ोटोज़ वगैरह ठीक है। मैं सरिता रानी, PGT हिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीसी बाजार, 9th से 12th के बच्चों का हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है उनकी निगरानी में कैंप टाबर उत्सव कैंप चलाया जा रहा है, जिससे CRC के सभी स्कूल आए हुए हैं, उनके बच्चे CRC स्कूलों के बच्चे, और इसमें बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, जैसे भी वेस्ट प्रोडक्ट से क्या क्या बेस्ट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हाँ जी, फर्स्ट बार ही हो रहा है।